हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रही थी, कुछ लिख रही थी, तो अचानक से मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। आजकल अक्सर लोग उस चीज़ से झेल रहे हैं, तो सोचा आप लोगों से बात करूँ उस बारे में। तो आजकल ना एक ट्रेंड बना हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, कि आपको चाहे प्यार हो चाहे ना हो, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है ना। आजकल के टीनेजर में सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है। आजकल का एक ट्रेंड है कि हम लोग जैसे इकोनॉमिक्स में बात करते थे, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि रोटी कपड़ा और मकान हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होता है, तो सेम वैसे ही एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना वैसे ही ज़रूरी हो गया। रोटी कपड़ा और मकान में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐड हो गया है। आजकल के टीनेजर्स आप जब भी मिले तो वो एम और हॉबी बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं कि आर यू सिंगल और मिंगल। अगर आप गलती से भी अगर आपके मुंह से निकल गया नहीं यार मैं तो सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ऐसा शॉक होके देखते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, मेरा पैदा होना व्यर्थ है, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो मैंने कुछ हासिल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो जो ये ट्रेंड है ना, इसी से सब सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर आप से कोई किसी से प्यार करते हैं, अगर आप तब आप उसके साथ रिश्ते में आइए तो समझ में आता है, तब वो एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। लेकिन आप किसी से प्यार भी नहीं करते फिर भी है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आजकल लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि एक तरफा रिश्ता होता है लोगों का, कि बस उसमें एक ही बंदा सब कुछ किए जा रहा है, सारे एफर्ट्स किए जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है, और सामने वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो ग्रांटेड ले रहा है। और जो मुझे देख रहे हैं उनमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे ही करते हो, है ना, बस वही 100% एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, रूठ रहे हैं तो मना भी वही रहे हैं, चाहे गलती हो चाहे ना हो, आप सॉरी भी एक ही आदमी बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे रिश्ते में कोई आदमी है या औरत है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ क्यों, क्या मजबूरी है? क्या सिर्फ आप ही ने प्यार किया है उसने नहीं? क्या ये रिश्ते को कायम आप ही को सिर्फ करना है, उसको नहीं करना है? क्या आपने सिर्फ यही सब चीज़ देखने के लिए ये रिश्ता बनाया था? खुश रहने के लिए बनाया होगा ना। एक आदमी एक पार्टनर क्यों बनाता है? जिससे वो प्यार कर सके, जिससे कोई बात ना शेयर कर पाए तो वो बातें शेयर कर सके। फिर क्यों? जब दो लोग रिश्ते में होते हैं ना, तो एडजस्टमेंट और केयर प्यार हमेशा दो तरफा होनी चाहिए, हमेशा दो तरफा होती है, तभी रिश्ता आगे तक जाता है। एक तरफा नहीं रहता, एक तरफा चलता भी नहीं है, है ना। आप ही बस सॉरी बोले जा रहे हो, आप ही से एडजस्टमेंट किए जा रहे हो, वो बार बार रूठ रही है या रूठ रहा है, बस आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए, बस आपकी गलती नहीं भी होती है तब भी आप उसको सॉरी बोलते हो, फीलिंग्स और केयर भी आप ही कर रहे हो, सामने वाले से कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा रिश्ता आप कब तक झेलोगे, कब तक उसको खींचोगे? ज़्यादा देर तक आप नहीं खींच सकते, ज़्यादा दिन तक आप नहीं खींच सकते। देखो, या तो बात दो हो सकती है, या तो वो इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है, या तो उसके मन में आपके लिए कुछ नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है। क्योंकि जब प्यार होता है ना, तो प्यार में एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस और केयर, ये दोनों तरफ से अपने आप आती है, इसमें किसी को समझाना या बताना नहीं पड़ता है। प्यार ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सामने वाले से आप खुद ब खुद उसकी केयर करने लगोगे, खुद ब खुद उससे प्यार करने लगोगे, है ना। अगर उसको भी आपकी फिक्र होगी तो वो भी एडजस्टमेंट करेगा, उसको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए, उसको भी आपकी केयर कर। इस टाइप के रिश्ते में हो तो बंद करो ये एक तरफा चीज़ें, बंद करो एक तरफा चीज़ें करना, उसकी केयर करना, अगर सामने वाला सेम बराबर आपकी केयर नहीं कर रहा है तो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि उसको भी समझना होगा आपकी फीलिंग्स, उसको जैसे उसकी फीलिंग्स है आप समझते हो, वैसे आपकी भी फीलिंग उसको भी समझनी पड़ेगी। और अगर फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो अभी भी मौका है, संभल जाओ, क्योंकि ऐसे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता है, कोई फ्यूचर नहीं होता है। अपने आप को कीमती बनाओ, अपने आप को दिखाओ कि आपकी भी फीलिंग्स है, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस है। ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है ना दोस्त कि कुछ दिन या कुछ महीने रो लो, ठीक है। एक तरफा रिश्ते को कोई रिश्ता नहीं कहा जाता, है ना। अपने ऊपर भी ध्यान दो, उनको भी ये फील कराओ कि आपकी भी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी भी फीलिंग्स है, है ना। अगर आपके में जो बदलाव आएगा, ठीक है, वो बदलाव देखने के बाद अगर उनके में कोई बदलाव आया, अगर उनको फील होता है,
फील हुआ तो समझ जाना कि उनके अंदर फीलिंग्स थी, बस एक किक की ज़रूरत थी। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है ना, तो समझ जाना कि आप ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताई है ना, इसमें आप ही का फ़ायदा है हर तरफ से, क्योंकि जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी उतना अच्छा होता है आपके लिए, है ना। जितने जल्दी अगर उसको बदलना होगा, अगर उसको भी आपकी केयर करनी होगी, तो वो आपका बदलाव देख के वो खुद ब खुद समझ जाएगा। अगर उसे नहीं बदलना होगा तो आप समझ जाओगे। दोनों तरफ से आप ही का फ़ायदा है। आप अपने आप से ही पूछो, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते होगे, हमेशा आप ही जाते होगे, ठीक है, तो आपको भी अंदर से अंदर एक घुटन होती होगी, एक बार लगता ज़रूर होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये डर होगा कि यार मैं उसके बिना कैसे रहूँगा या मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, है ना। तो ये डर अपने अंदर से निकाल दो, अपने आप को कीमती बनाओ, अपने आप को ये दिखाओ कि आप इतने सस्ते नहीं हो कि आप किसी को भी मिल जाओगे ऐसे। सामने वाले को भी फील कराओ अपनी वैल्यू। सिर्फ आप ही को झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ता दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। ज़िम्मेदारी अगर आपकी है तो उनकी भी है। ध्यान रखना मेरी बात को।